जी दोस्तों, चलिए आज चपाती बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने आटा लिया है जो कि ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा नरम है। ठीक ठीक आटा लेना है आपने और अच्छे से इसको घुमाना है, गोल करना है, यानी कि इसका पेड़ा बनाना है। देख सकते हैं पेड़ा अच्छे से गोल हो चुका है। अभी इसका एक बनाएंगे, हल्का सा इसको हाथों से प्रेस करेंगे और रोटी की शेप में गोल बनाएंगे इसको, और ये देख सकते हैं आप। चलिए अब इसको, ये रेडी हो चुका है आटा, आप हिसाब से लगाना है और उसके बाद आटे को उतार देना है। चलिए अब इसको वेलते हैं। वेलने के लिए हमने यहाँ पर चकला वेलना लिया है, और आप चाहें तो आपके पास वेलन है तो आप कोई टाइल ले सकते हैं, जहाँ अपनी किचन की स्लैब पर भी इसको गोल कर सकते हैं। चलिए अब गोल करेंगे। गोल करने का तरीका ये ही है कि अच्छे से इसको घुमाना है। घुमाने का तरीका ये है कि इसको दबाना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, रोटी को ऊपर वेलन रख के उसको अच्छे से दबा देते हैं। जब दबा देते हैं तो क्या होता है, ये देख सकते हैं अब चिपक जाती है रोटी। दबाना नहीं है, हल्के हाथों से इसको धीरे 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 घुमाना है, रोटी अपने आप घूमती जाएगी, ये देख सकते हैं आप। और आटे को गूंदने का तरीका अगली वीडियो में बताएंगे, फुल वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये हमारा चकला थोड़ा गीला है और हम आटा भी कमती लगा रहे हैं। ज़्यादा आटा लगाने के बाद क्या होता है, जब रोटी को सेकते हैं तो बहुत रोटी क्या है जलती है, वो आटा जो सूखा रहता है वो जलता है, इसलिए आप आटा भी हिसाब से लगाना है जो सूखा आटा है। ये देख सकते हैं आप, रोटी हमारी रेडी है, ये देख सकते हैं पतली रोटी और अच्छी चपाती जो हमारी रेडी है हो चुकी है। आने वाली वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये देख सकते हैं आप रोटी बनाने का आसान तरीका, आने वाली वीडियो फुल होगी।